स्वागत तो करो हमारा। विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन 75 तक कल हो चुका था, 76वीं क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस राज्य में बनाया गया है? आपके बीच ऑप्शन में भी है, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बंगाल। अगर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस राज्य में बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अगर क्लास में पहली बार आए तो क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन की पहचान देश के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में होती है, और गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई 1366.4 मीटर यानी 4483 फीट है। लेकिन अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन से यह खिताब छीनने वाला है, भारत में एक और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनने जा रहा है, जो गोरखपुर को भी पछाड़ देगा। यह प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जिसका कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन फंस रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आया और मैं ये जो मजा है, विद्यार्थियों आपके बीच 77 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। कह रहा दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके बीच ऑप्शन में भी है, पहला ऑप्शन मुंबई पीटी, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद, चौथा ऑप्शन मध्य मुंबई। विद्यार्थियों, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदराबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेलवे की एक इकाई है, इसे लघु रूप में दमरे कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, दमरे। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है, और इसके अंतर्गत आने वाले मंडल हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद, गुंडकल, गुंटूर, कांदेड़, विजयवाड़ा। ठीक है, इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब है, पढ़ लीजिएगा, अन्यथा पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये बढ़िया था गुरु। विद्यार्थियों आपके बीच 78 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके बीच ऑप्शन में है कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। अगर दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। तो विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे की एक इकाई है, इसे लघु रूप में दरे कहा जाता है या दमरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाले मंडल हैं चेन्नई, मदुरई, पालघाट, तिरुचारापल्ली, और इस तिरुचारापल्ली भी कहते हैं या तिरुचारापल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा, दो भी कहते हैं, कहीं कहीं तिरुचारापल्ली भी लिखा रहता है, त्रिवेंद्रम, सलेम यानी कोयम्बतूर। ये सब जो है आपको अलग से जानकारी दे रहा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन इससे भी फंस जा सकते हैं। आपको बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन से जो मैं अलग जो व्याख्या बताता हूँ उससे बहुत ही क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहते हैं। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मोस्ट क्वेश्चन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विद्यार्थियों आपके बीच 79 नंबर क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क में से कहाँ पर स्थित है, आपके बीच ऑप्शन में है पेराम्बूर, वाराणसी, कपूरथला और बेंगलोर। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थापित भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन निर्माण का कारखाना है,
और अगस्त 1961 में डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण हेतु एल्को अमेरिका के सहयोग से कारखाने की स्थापना हुई है और जनवरी 1964 में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जनवरी 1976 निर्यात बाजार में प्रवेश हुआ और प्रथम रेल इंजन तंजानिया को निर्यात किया गया और इसके बाद दिसंबर 1977 में प्रथम डीजल जनित सेट का कमीशन किया गया। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है विद्यार्थियों। आपके बीच 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? आपके बीच ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है रेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मोस्ट है, लाजवाब है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है, तो इसका आपको हमको कमेंट में आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है विद्यार्थियों, तभी हमको पता चले कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सभी वीडियो जितनी भी मैं तैयारी करवाया हूँ सभी विषय का, आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट यही है कि सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी क्लास को अटेंड करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करिए और अंत में सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी